नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान संगठनों ने फूंका पीएम मोदी का पुतला। पल पल जाखल से दीपक कुमार की विशेष रिपोर्ट। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत बहुत हो चुकी है और अब कृषि कानून रद्द करने का फैसला चाहिए। किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों एवं कृषि विधेयक के विरोध में गांव मुदलिया में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी व मनोहर लाल खट्टर तथा दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। सरकार से किसी कानून वापस लेने के लिए तथा कानून को रद्द किए जाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। किसान सभा के किसान मुदलिया के पूर्व सरपंच निर्मल सिंह व पूर्व सरपंच राजा राम सिंह बिकर व बिकर सिंह नंबरदार राजू हरिम सिंह बल्कि सैकड़ों किसानों ने कहा कि यह कृषि विधेयक ऐसा काला कानून है जिससे देश का अन्नदाता बर्बाद होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सरकारी विभागों के निजीकरण पर आमादा है, इससे किसानों और व्यापारियों को हानि उठानी होगी। किसानों का ने कहा कि दिल्ली प्रदर्शन कर रहे किसानों को और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। किसानों ने केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही किसानों ने कहा कि दिल्ली प्रदर्शन में 30 किसानों का जत्था आंदोलन कर रहे किसानों के लिए समुद्री लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा से विशेष रिपोर्ट, जाखल से दीपक कुमार के साथ। एक मुद्दा रुपये कहना बड़ा मुसीदा दो ढाई महीने जेडे जिमीदार बैठे सारे बहुत दुखिया पिंड काले कानून ने साडे पिंड पहले भी बहुत जारे ने हूँ भी कल परसों साडे पिंड तो एक दो ढाई हो जाएगी कुड़ियां बंदे जवाक सब लेके जावे पर बड़े दुखी हो गए अभी दो ढाई महीने तो साडे चल रहे ने रोस प्रगट दिल्ली भी चल रहे ने पिंडा भी चल रहे ने भी सारे कित भी कर मुंदड़िया पिंड पुतला फूके मुंदड़ी का अभी पूरा सर करा जिन्ना भी सब तो होया कल फिर परसों ट्रालिया जाएगी साड़िया दिल्ली अज भी पूरा रोस है साढ़े पिंड च बच्चे को लैके सियाना बुजुर्ग सब दुखी ने मोदी।